क्योंकि जी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिकली मैनेजरियल ऑप्शन के मुताबिक। मैनेजरियल ऑप्शन क्या हो सकती है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी ट्री का। मैनेजरियल ऑप्शन कुड बी मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक फ्यूचर डिसीजन दैट अफेक्ट द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लाइफ और फ्यूचर एक्सेप्टेंस। बेसिकली मैनेजरियल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन वैल्यू कि प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिजेक्ट करना है या अबंडन करना है। सो देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शंस बट एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्थ इज इक्वल टू एनपीवी प्लस ऑप्शन वैल्यू। दिस इज बेसिकली ऑप्शन वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है ताकि हमें पता चल सके कि हम इसको क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को फ्यूचर में एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। अलाउ द फर्म टू एक्सपैंड और प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन इफ कंडीशन बिकम फेवरेबल अनफेवरेबल। मीन्स मैनेजरियल ऑप्शन वेरी सिंपल क्वालिटेटिव ऑप्शन है। क्वालिटेटिव ऑप्शन क्या कह रही है आपको कि आप प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के आपके सरकमस्टांसेस आपकी फेवर में जाते हैं और दे बिकम अनफेवरेबल। इन बोथ केसेस यू हैव टू डिसाइड वन ऑफ द ऑप्शन। इट कुड बी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है अबंडन। अलाउ द प्रोजेक्ट टू बी टर्मिनेटेड अर्ली। टर्मिनेशन ऑफ अर्ली का मतलब है कि आपने उसको कब बंद करना है। ठीक है, बंद करने से क्या मुराद है कि आपने प्रोजेक्ट को खत्म कर देना है। आइदर इट कुड बी ऑन स्टार्ट, इट कुड बी आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ रनिंग, इट कुड बी ऑन सेकेंड ईयर ऑफ रियलाइजेशन। तो जहां भी आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट को बंद करना है वो ऑप्शन कैलकुलेट करनी है। एंड पोस्टपोन। पोस्टपोन इज वेरी सिंपल मीन्स अगर इफ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस टू ऑप्शंस, द फर्स्ट इज एक्सपेंड एंड सेकंड वन इज अबंडन। एक्सपेंड बेसिकली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द सरकमस्टांसेस कि आपके सरकमस्टांसेस किस किस्म के बनते हैं। इफ दे आर इन योर फेवर यू कैन एक्सपेंड और अदरवाइज यू मे कॉन्ट्रैक्ट। अबंडन इज वेरी सिंपल, इट वुड बी द डिसीजन रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट कि आपने किस प्रोजेक्ट को किस जगह के ऊपर जाके टर्मिनेट करना है। एंड पोस्टपोन इज ऑल्दो द थर्ड ऑप्शन विच डू नॉट टेक एनीथिंग इन कंसिडरेशन एक्सेप्ट कि डिले द प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को जब डिले करेंगे तो डिले का मतलब है पोस्टपोन कर रहे हैं एंड लेटर ऑन आप इस प्रोजेक्ट को कभी अंडर कंसिडरेशन कर लेंगे, अभी 1 साल बाद करेंगे या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन ऑफ द मैनेजर्स और टॉप मैनेजर्स कि आपने इसको कब तक के लिए पोस्टपोन करना है। पोस्टपोन कुड बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो, इट कुड बी ड्यू टू द फिजिबिलिटी अवेलेबल इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट और यू मे से इट्स नॉट कम्प्लीट येट। तो देयर कुड बी मल्टीपल इश्यूज इन देयर जिसकी वजह से आप पोस्टपोन की ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये हमारी एग्जाम्पल थी प्रीवियस। इस प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ कुछ चीज हम एक और एड अप कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कब करना है। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट आसान है, वो मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ। अच्छा जी, प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर वो कहता है एज्यूम दिस प्रोजेक्ट कैन बी अबंडेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर 200। वॉट इज द प्रोजेक्ट वर्थ। प्रोजेक्ट की वर्थ क्या होगी इफ दिस प्रोजेक्ट, ये जो आपके सामने वही ट्री है पुराने वाला, अगर इसको 1 साल के बाद एक ऑप्शन मिले और वो ऑप्शन हो कि आप इसको 200 रुपये का बेच सकते हैं। अब इसको 200 रुपये का बेचने का क्या मतलब है कि आप 200 का आप इसको सेल आउट कर देंगे। हालांकि आपके पास फर्स्ट ईयर में जो रिटर्न हैं, यहाँ पहले फर्स्ट ईयर क्लियर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आपको 200 की ऑप्शन मिलेगी, सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगी। यानी आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा then you can have one option and that option is you can sell this project in $200। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट की वर्थ क्या होगी। सो टर्मिनेशन की ऑप्शन सिर्फ आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन के बाद। हालांकि आपके पास फर्स्ट ईयर के जो ऑपरेशंस हैं वो आपको 1200 दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं और देर इज अ कैश आउटफ्लो ऑफ 600। सो वी नीड टू डिसाइड कि हमने बेसिकली 200 की जो अबंडन ऑप्शन है, ये 200 की जो टर्मिनेशन ऑप्शन है, ये अबंडन ऑप्शन या टर्मिनेशन ऑप्शन, ये हमने इन तीनों में किस जगह के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। वैसे तो नजर भी आ रहा है कि 1200 का कैश फ्लो, 450 का कैश फ्लो, ये दोनों फ्यूचर में पॉजिटिव कैश फ्लोस प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1200 के जो क्रॉस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज हैं वो 2200, 1200, 900 हैं, 450 के 900, 600 और 300 हैं। ठीक
ठीक है, अगर इनका हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट करें तो दैट वुड बी ग्रेटर देन 200, बिकॉज ऑल दीज सिक्स कैश फ्लोज आर पॉजिटिव इन नेचर, मींस दे आर कैश इनफ्लोज। अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें नजर आता है कि एक तो ये फर्स्ट ईयर में नेगेटिव कैश फ्लो प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडली इसके जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। और अगर हम ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये तीन ब्रांचेस और इसका ये वाला कैश फ्लो, ये सारे मिल के बेसिकली हमें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कैश फ्लो दैट इज नेगेटिव, और इसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव हो रही है। अगर हम इस अबंडन ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो हमें किस जगह पे करना पड़ेगा, हमें ये समझ आई कि हमें इसे थर्ड कैश फ्लो के ऊपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब थर्ड कैश फ्लो के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए भी जरूरी है कि हम पहले उसको देखें कि हमने इसको किन बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज किया। वो एक्सरसाइज करने के लिए मैंने उसकी निकाली है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाली, ये ऑप्शन मिल रही है मुझे फर्स्ट ईयर में और जो कैश फ्लोज हैं दे आर इन सेकेंड ईयर। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज इसको 1 ईयर डिस्काउंट बैक करना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट था हमारा 5%, ठीक है। एक साल इसको डिस्काउंट बैक करने का मतलब क्या है कि आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ईयर में, बिकॉज दीज कैश फ्लोज आर इन सेकेंड ईयर। अगर आप इनकी कैश फ्लो की फर्स्ट ईयर में लेके आते हैं इनको तो 1 ईयर की को 1 ईयर के लिए इसको डिस्काउंट बैक करना पड़ेगा। इसकी 500 की वैल्यू बनती है 476, बाकी माइनस 995 एंड देन 666। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी क्रॉस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से सो दैट यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयर इन फर्स्ट ईयर। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका बनता है -266। -266 मीन्स कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर फर्स्ट ईयर जो इन तीन ब्रांचेस का है उनका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में भी चेक करें तो दैट बिकम्स -266। एंड -266 मीन्स कि दिस इज ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो, हालांकि हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो ऑप्शन है दैट इज कि आप इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट ईयर के बाद टर्मिनेट कर दें 200 में। तो टर्मिनेशन बेसिकली इस कैश फ्लो के ऊपर ही हमें नजर आती है -600 के ऊपर। तो यहाँ अगर मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ तो कंपैरिजन के लिए मैंने जो सेकंड ईयर के कैश फ्लोज मुझे जनरेट होने थे उनकी फर्स्ट ईयर में वैल्यू को फाइंड आउट किया, उनको उनकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो भी मेरे पास नेगेटिव निकला। अगर तो ये पॉजिटिव 266 होता तो मेरे लिए अबंडन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि दिस कैश फ्लो वुड हैव बीन पॉजिटिव। अभी ये पॉजिटिव नहीं है तो मैं इसको 200 का सेल आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 200 का सेल आउट कर सकता हूँ तो मेरे ट्री की शेप चेंज हो जाएगी। इट वुड बी लाइक दिस, मैं अभी अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। द ऑप्टिमल डिसीजन ईयर 1 इज अबंडेंट, द प्रोजेक्ट फॉर 200 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 266। ऑब्वियसली कि ये जो ब्रांचेज हैं ये नेगेटिव कैश फ्लो प्रोड्यूस कर रही हैं एक्सपेक्टेड फर्स्ट ईयर में, प्रेजेंट वैल्यू अगर उनकी चेक करें तो 200 इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली -266। तो हम यहाँ आके इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने का किया तो मेरी ट्री की शेप जो है वो चेंज होगी। शेप कैसे चेंज होगी आपके सामने है कि बाकी ब्रांचेस सेम है। यहाँ आके कुछ मसला है, वो ये है कि फर्स्ट ईयर में जब आप प्रोजेक्ट को सेल आउट करेंगे तो आपने बेसिकली सेकेंड ईयर के कैश फ्लोज खत्म कर दिए। सेकेंड ईयर के कैश फ्लोज हुए 0। फर्स्ट ईयर में जब आपने इसको सेल आउट किया तो 600 का कैश आउटफ्लो हुआ, 200 का आपके बंडन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई, तो नेगेटिव कैश फ्लो रह गया आपके पास 400। इस नेगेटिव 400 की आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, यानी एनपीवी फाइंड आउट की जो हम करते आ रहे थे। बाकी एनपीवी 6 NPVs आर द सेम, तो ये आके यहाँ नेगेटिव एनपीवी आपने इसकी थर्ड ब्रांच की दोबारा से एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, यानी 400 को डिस्काउंट बैक करेंगे और उसको क्या कहते हैं -900 में ऐड कर देंगे। एंड देन अगेन वही प्रोसीजर विल बी मल्टीप्लाइंग दीज एनपीवीज टू
द क्रॉस्पॉन्डिंग एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, यहाँ आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ भी आपके पास यही प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि 1 यू विल एक्सरसाइज द बंडन ऑप्शन। आपके पास सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं होगा, तो आपने यहाँ आके इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया। तो हमारे पास अब 7 एनपीवीज रह गई है, पहले हमारे पास 9 एनपीवीज थी। उन एनपीवीज को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें दोबारा, तो आपकी एक नई एनपीवी जनरेट होती है, दैट इज 76, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है 857। तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट की जो वर्थ है कि हमने इसको किधर जाके एक्सरसाइज करना है, वो हमारे सामने आ गई है। वो हमारे सामने कैसे आ गई है? द एक्सपेक्टेड एनपीवी इज एनपीवी स्टार ओरिजिनल एनपीवी प्लस अबंडन ऑप्शन। हमारे पास प्रोजेक्ट की वर्थ है इसको 71, जहां हमने अबंडन ऑप्शन एक्सरसाइज की।